हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। काफी रात हो चुकी थी। जेल में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। काफी कैदी भी सो गए थे। जेल में तैनात गश्ती दल के सिपाही भी गश्त पर निकल गए थे। इन्हीं सिपाहियों में एक थी अनीता। जब वह कैदियों के बैरक से गुजर रही थी, तभी किसी कैदी ने पुकारा। अनीता आवाज सुनकर रुक गई और वह कैदी के पास गई। बोलो किशन, क्या है? यह पूछते हुए अनीता की निगाहें कैदी के कसरती बदन को देख रही थी और आंखों में तारीफ के भाव उभरे हुए थे। किशन ने कहा, मैडम मुझे बाहर एक संदेश पहुंचाना है। किशन, तुम नहीं जानते, अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हारा संदेशा पहुंचाती हूं, तो मेरी अच्छी खासी नौकरी भी चली जाएगी। किशन ने कहा, चिंता मत करो मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इसकी कीमत भी तो देता हूँ। नीता ने कहा, किशन तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लालच में तुम्हारा काम कर दूंगी? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर किस लिए करती हो? अनीता ने कहा, किशन मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं तुम्हारा काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हारा यह खूबसूरत आंखें। यह सुनते ही जैसे किशन के होश ही उड़ गए। उसने कहा, मैडम आप भी कम सूरत नहीं हो, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? किशन ने कहा, हाँ मैडम, मैं खुद तुम्हें पाने को बेचैन हूँ। जैसे ही मैं इस जेल से निकला, फिर मुझे तुमसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अनीता ने कहा, किशन मुझे भी तुम्हारे जैसे सीखी जरूरत है। अच्छा मैडम, जरा मेरा संदेश बाहर तो भिजवा दो। अनीता ने किशन के हाथ से पुर्जा लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। अनीता बेहद खूबसूरत थी। वह 35 साल की थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। किशन अभी 6 महीने पहले इस जेल में आया था। वैसे तो किशन एक अपराधी था, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर और जवान था। अनीता और किशन जब एक दूसरे से मिले तो दोनों ही एक दूसरे पर फिदा हो गए। धीरे धीरे उन दोनों में जान पहचान होती चली गई। अब किशन अपने संदेश को अनीता के माध्यम से बाहर भेज देता था। किशन अपने क्षेत्र का एक बदनाम अपराधी था और दुकानदारों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। किशन का जेल में आना जाना लगा रहता था, पर चाहे वह जेल के बाहर रहता या अंदर, हर हाल में उसका धंधा चलता रहता। उसके जेल में रहने की हालत में उसके साथी उसकी चिट्ठी लेकर उसके बताए दुकानदार और कारोबारियों के पास पहुंचते और उससे लूट मार करते थे। किशन की ऐसी ही चिट्ठियां अनीता उसके साथियों तक पहुँचाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। जहाँ अनीता को किशन का ये अंदाज भाने लगा, वहीं किशन ही अनीता को बेहद पसंद करता था। कुछ दिन बाद किशन का फोन आया। हेलो अनीता, कैसी हो? किशन ने ये अनीता से कहा। तभी वहाँ से अनीता ने कहा, कौन? अनीता, मैं किशन बोल रहा हूँ। क्या बात है किशन, बहुत दिनों बाद फोन कर रहे हो। क्या करूं अनीता, जेल से बाहर आने के बाद बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था, लेकिन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। किशन ने अनीता से ये सारी बातें कही। किशन, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। किशन ने कहा, ठीक है, आज शाम को मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। अनीता ने कहा, ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे फार्म हाउस पर आ जाती हूँ। अपने वादे के अनुसार अनीता शाम को किशन के फार्म हाउस पर पहुंच गई। अनीता को देखते ही किशन ने कहा, आओ अनीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यकीन करो अनीता, तुम्हारे इंतजार में शराब पीने का मजा ही नहीं आ रहा था, तो तुम आ गई हो तो पीने का असली मजा आएगा। इसी तरह दोनों में बातें चलने लगी और दोनों प्यार की दुनिया में बहते चले गए। इसके बाद तो अनीता अक्सर किशन से मिलने लगी कि उसे किशन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। किशन काफी पैसे वाला था, उस पर दोनों हाथों से पैसे भी लुटाता था। आखिर अनीता क्या करती, वह तो पहले ही अपने पति से खुश नहीं थी। उसका पति न तो उससे प्यार करता था और न ही कोई भी सुख देता था। ऐसे में किशन जैसा प्रेमी पाकर
नीता की तो दुनिया ही रंगीन हो गई। इधर अनीता के पति केशव ने जब उसमें आए इस बदलाव को महसूस किया तो वह परेशान हो गया। केशव को पूरा यकीन हो गया कि उसके घोंसले में रहने वाली चिड़िया अब नया घोंसला बनाने के फिराक में है। एक रात केशव ने अनीता से पूछा, नीता आजकल तू किस दुनिया में रह रही है? पति केशव के इस सवाल पर अनीता चौंक गई। अनीता, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तेरे रंग ढंग बदल गए हैं। तू यह बात बिल्कुल भूल गई है कि घर में तेरा एक पति भी है। रात को जब मैं तुझे हाथ लगाता हूँ तू मेरा हाथ झटक देती है, कहीं तूने घर के बाहर अपना कोई यार तो नहीं पाल लिया? नीता के पति केशव ने यह बात अनीता से गुस्से में कही। इस समय अनीता ने डरते हुए कहा, तुम्हें अपनी पत्नी से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? केशव ने कहा, अनीता जिस दिन यह हकीकत में बदल गया तो याद रखना मैं तो तेरा जीना हराम कर दूंगा। पति केशव के शक को देखते हुए अनीता कुछ दिनों तक किशन से नहीं मिली, लेकिन जब उसे पक्का यकीन हो गया कि केशव उसकी ओर से बेपरवाह हो गया है तो फिर से खुलकर उससे मिलने लगी। लेकिन केशव उसकी ओर से लापरवाह नहीं हुआ था, बल्कि चोरी छिपे उसकी हरकतों पर वो नजर रख रहा था। कुछ ही दिन के बाद केशव को पता भी चल गया कि अनीता का किसी सन नाम के अपराधी से दोस्ती है और उसके साथ मिलकर ये मुझे धोखा दे रही है। ये उन दोनों आपस में रंग रंगलियां मंगाते हैं। सच्चाई जानते ही उसका खून खौल उठा। एक रात जब वह घर लौटी तो केशव ने कहा, कहाँ गई थी तू? मैं पुलिस स्टेशन फोन किया था, मालूम हुआ कि तू वहाँ से शाम 6 बजे ही निकल गई थी। तभी अनीता ने कहा, अच्छी नहीं, रास्ते में मेरी एक सहेली मिल गई थी, मुझे उसी के साथ उसके घर पर मैं चली गई थी। केशव ने कहा, अच्छा तुम्हारी सहेली का नाम किशन है क्या, जिसके साथ तू रंग रलिया मना कर आ रही है? ये सुनकर अनीता डर गई। अनीता ने कहा, ये सब झूठ है। केशव ने कहा, अरे झूठी है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं अंधा और बहरा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई या सुनाई देता नहीं है। तू जिस किशन की आज कल प्यारी बनी हुई है उसके फार्म हाउस का चौकीदार मेरा ही दोस्त है। कल वह बता रहा था कि उसके साहब ने आजकल एक रखेल पाल रखी है जिसका नाम अनीता है, वह घंटों भर वही रहती है। ये सब बातें केशव के मुँह से सुनते ही नीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। केशव भी गुस्से में पागल था, उसने अपनी पत्नी अनीता को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पर अनीता अपनी बेइज्जती की आग में जल रही थी। वह अब किसी तरह अपने पति केशव को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, क्योंकि वह उससे नफरत करती थी। अगली बार जब अनीता ने अपनी दुख भरी कहानी किशन को बताई तो वह आग बबूला सा हो गया। किशन ने कहा, अनीता मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनीता ने कहा, किशन यही तो मैं भी चाहती हूँ। अगले दिन रात में किशन अंजलि के घर पहुँचा। इधर अनीता का पति केशव दिन दुनिया से बेखबर सो रहा था। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की शायद आखिरी रात है। किशन फौरन केशव के छाती पर बैठ गया, का गर्दन दबाने लगा। दबाव पड़ते ही केशव ने अपनी आंखें खोल दी। ऐसे में जब उसकी नजर अपने पर सवार किशन पर पड़ी तो हैरानी हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि किशन उसे मारना चाहता है। केशव अपनी जान बचाने में जुट गया। सच तो यह था कि इस समय उसके दिलो दिमाग में एक भयानक लड़ाई चल रही थी। एक औरत और एक पत्नी में धीरे धीरे पत्नी का पलड़ा भारी होता चला गया और अनीता सोचने लगी कि चाहे मेरा पति किशन कैसा भी है पर है तो उसका पति ही, उसका और उसके बच्चे का भविष्य उसी के साथ सुरक्षित था। दूसरी ओर किशन एक अपराधी है और इस समय भी एक अपराध करने जा रहा था। वह उसे भी इस अपराध में शामिल करना चाहता था। पुलिस में होने के चलते अनीता को यह बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि अगर उसका यह अपराध उजागर हो जाता तो उसके साथ उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाती, पर अनीता ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। अनीता ने तुरंत रूम
रखी लाठी से किशन पर हमला करने लगी। हमला इतना जोरदार था कि मौके पर ही किशन की मौत हो गई। सुबह होते ही अनीता के घर पुलिस आ पहुंची। अनीता ने बयान में दे दिया कि किशन उस पर बुरी नजर रखता था, जिसका विरोध उसका पति केशव करता था। आज की रात किशन उसके घर में घुस आया और उसने उसके पति का गला घोटकर मारना चाहा। अपने पति की जान बचाने के लिए उसने किशन पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही किशन की मौत हो गई। अनीता का बयान सुनकर उसकी पति केशव भी उसे हैरानी भरे निगाहों से देखने लगा और सोचने लगा कि यह सच ही कहा गया है कि औरतों का चिड़िया चरित्र कोई नहीं समझ पाता है। आखिरकार अनीता ने उससे प्यार किया, उसको ही मार दिया और जो उसका पति था अब वह उसके साथ ही रहने लगी। उन्होंने उस दिन के बाद इस बारे में कभी भी आपस में बात नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य उजागर करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के।